सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट कैसे आपको देखनी है। आपको अगर जानना है कि आपकी पंचायत में किस किस को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, कैसे आप देखेंगे कितने पैसे किसको मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना है pmayg.nic.in, ये वेबसाइट है। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। और यहाँ आपको ऊपर यहाँ पे एक ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है आवास सॉफ्ट, ये देख सकते हैं आवास सॉफ्ट का ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इसको आपने जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मोबाइल में भी आपका इसी तरह से खुलेगा ये। यहाँ आपने रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस पेज में एक डिटेल्स आ जाती हैं अलग अलग, जैसे फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, GIS रिपोर्ट्स। इसी तरह जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल के पेज में सबसे नीचे इस तरह से एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स का ये ऑप्शन मिलता है। सोशल ऑडिट्स रिपोर्ट का जो ये ऑप्शन है, इसमें बेनिफिशरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशंस का एक ऑप्शन आता है, इसको आपने ओपन कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ दोस्तों आपका ये पेज आपका खुल जाता है। यहाँ आपने क्या करना है, आपके मोबाइल में इसी तरह का ये पेज आएगा। यहाँ जो सिलेक्शन है फ़िल्टर्स का, यहाँ आप सबसे पहले अपना जो आपका स्टेट है वो आप डालेंगे, कोई सा भी आप जो आपका स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है, या फिर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट आप इसमें सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, फिर ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप अपना जो आपकी पंचायत है पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो इसमें ईयर है, कौन सी ईयर की आप रिपोर्ट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। 2021 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ दोस्तों आपको कौन सी स्कीम की ये लिस्ट देखनी है, जैसे कि आवास योजना में बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा IAY यानी इंदिरा गांधी आवास योजना लिस्ट है, या ऑल सेंट्रल स्कीम जो भी है सब आप यहां से देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हम लिस्ट देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। अब यहां देख सकते हैं 9+90 कितना होता है, तो 99 ये हम डाल देंगे। कैप्चा कोड जैसे ये है, इसे सबमिट कर देंगे तो यहाँ जो भी रिपोर्ट है यहाँ आ जाएगी। इसी तरह किसी और स्टेट का आप देखेंगे तो ये इस तरह से रिपोर्ट यहाँ आपकी ये खुल के सामने आ जाएगी। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद ये डाउनलोड कर लेनी है PDF। डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, तो ये डाउनलोड कर ली है हमने ये PDF। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स इसमें हमारी आ रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो ये देख सकते हैं रूरल हाउसिंग रिपोर्ट ये है, यानी ग्रामीण जो ये रिपोर्ट है उसकी प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले बेनिफिशरी नेम, फादर नेम और बेनिफिशरी का नेम। ये बेनिफिशरी का नेम है, ये उसके फादर का नाम है। और ये कौन सी स्कीम है ये देख सकते हैं आप, PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 2021 की ये लिस्ट है। प्रायोरिटी कैटेगरी नन है, और BPL फैमिली आई कार्ड नंबर भी नन है इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं नरेगा जॉब कार्ड नंबर है, ये आप देख सकते हैं नरेगा जॉब कार्ड नंबर। यहाँ स्टेट साइट अलॉट बाय गवर्नमेंट ये खाली है, और हाउस स्टेटस कंप्लीटेड है, और जो संक्शन नंबर है वो यहाँ देख सकते हैं। संक्शन डिटेल डेट जो है ये आप देख सकते हैं, और जो अमाउंट कितनी इनको मिली है यहाँ देख सकते हैं 1,30,000 रुपये इनको मिले हैं। इंस्टॉलमेंट कितनी हैं, 2 इंस्टॉलमेंट ये देख सकते हैं, और जो अमाउंट रिलीज हुआ है कितना अमाउंट रिलीज हो चुका है ये आप देख सकते हैं, 1,25,000 रुपये मिल चुका है। और इसी तरह अमाउंट रिलीज के बाद इसमें लास्ट जो ट्रांसफ़र अमाउंट की जो डेट है 8/9/2020 है, और जो इंस्पेक्शन जो डेट है 2/11/2020 है, और इंस्पेक्शन कैसे किया है बाय मोबाइल ऐप के द्वारा, और किसने किया है वो जो भी इंस्पेक्टर होता होगा इसको चेक करने का उन्होंने किया है। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं औरों को भी 1,30,000 रुपये मिले हैं,
और इसी तरह सभी का ये आप देख सकते हैं। तो इसमें किसको कितना इंस्टॉलमेंट मिल चुका है यहाँ देख सकते हैं, और कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ देख सकते हैं। तो उनकी आईडी क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं, और नाम क्या है और जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो नई लिस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। लेटेस्ट जो 2020-21 की है ये लिस्ट आप यहाँ से निकालेंगे। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नाम है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, और ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21, और आईडी नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं, हाउस जो इनका हुआ है सैंक्शन हुआ है, और इसकी जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे लिखी हुई है। इंस्टॉलमेंट जैसे देख सकते हैं एक ही मिला है अभी 40,000 रुपये की, लास्ट जो अमाउंट है ये इस डेट को भेजी गई थी और ये इंस्पेक्शन की डेट है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, और आपकी ग्राम पंचायत में किसको कितना मिला है, किस किस को मिला है पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं। किसी का भी पूरी ग्राम पंचायत का ये है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें जितने भी टोटल जो आपकी ग्राम पंचायत में लोग होंगे उनका यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से। तो जैसे कि इस लिस्ट में आप देख रहे हैं टोटल 62 लोग हैं इसमें, और 62 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा मिला है। तो 2020-21 की दोस्तों ये लिस्ट है, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इसी तरह से आप भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।